वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, और कैसे हो। तो आज का टॉपिक जो है वो हिटाची एसी है, विंडो कंपनी का। तो इसका मैं आपको एसएमपीएस स्टडी करवाता हूँ। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये छोटी छोटी एसएमपीएस क्यों समझा रहे, तो क्या छोटी से ही बड़ी काम करती है। डायरेक्ट अगर बड़ी समझा दूंगा तो बहुत जटिल काम हो जाएगा, इसलिए थोड़ा इस पर ध्यान कीजिए तो आपका काम हो जाएगा। तो ये विंडो एसी मेरी पीसीबी जो है मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल क्लियर पीसीबी है। इस पर मैं स्टडी आपको करवा रहा हूँ। अब मैं इसको चालू कर रहा हूँ दोस्तों, देखिए ये सप्लाई दे दी है मैंने और ये मेरी पीसीबी ऑन हो गई है। ये एलईडियाँ जल गई हैं और ये मेरी पीसीबी ऑन हो गई है। तो अब मैं इसको पलट देता हूँ, ये पलट दिया मैंने। और मैं समझाने के लिए सेम यही पीस अलग से रख रखे हैं ताकि मैं आपको समझा सकूँ। और फ्रेंड्स ये अब मैं मीटर में आपको स्टडी करवाता हूँ क्या है क्या। तो दोस्तों ये मेरा मीटर डीसी पोजीशन में, इसको एसी पोजीशन में करता हूँ मैं। अब एसी पोजीशन में ये कर चुका हूँ दोस्तों। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको कि मेरे एसी वोल्ट कितने आ रहे हैं। तो देखिए अब ये मेरे एसी वोल्ट जो आ रहे हैं 230, 35, 30, 35, 34 ऐसे आ रहे हैं। तो अब मैं आगे चलता हूँ दोस्तों। यहाँ ये रेक्टिफायर लगा हुआ है यहाँ, जिसमें इसमें तो रेक्टिफायर बना करके लगाया हुआ है डायोड का। तो मैं आपको एक बार नीचे से दिखा देता हूँ। देखिए कोई कंपनी बना करके लगा देती है, देखो इस तरीके का ये लगा हुआ है। और मैं इस पीसीबी में आपको दिखाता हूँ, तो देखिए चार डायोड से बनाया हुआ है। तो बात वो एक ही होती है कि बनाया हुआ हो या भले कंप्लीट हो। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि डायोड पे ही एसी वोल्ट आने चाहिए, तो कितने वोल्ट मेरे आ रहे हैं। ये देखो दोस्तों 234 वोल्ट एसी आ रहे हैं। अब चलते हैं डायोड के आउट पे चलते हैं। तो दोस्तों मेरे को मीटर वापस सेट करना पड़ेगा डीसी में। ये मैं डीसी में सेट कर लिया हूँ दोस्तों, और आपको डीसी में दिखाता हूँ। तो दोस्तों आपके पास अगर कोई दूसरा मीटर है तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है, चीज़ वही है, एसी और डीसी आपको कन्वर्ट करना है सिर्फ। अब मैं चलता हूँ सर जी ये कैपेसिटर पे। तो कैपेसिटर पे मेरे वोल्टेज आ रहे हैं देखिए 320। अगर 320 अगर आपके वोल्टेज नहीं आते हैं, कम आ रहे हैं, 200, 250 आ रहे हैं या 300 से कम आ रहे हैं, तो आप कैपेसिटर बदल दें दोस्तों। ये जो दो कैपेसिटर लग रहे हैं ये सीरीज में होते हैं, इनको आप बदल दें। बदलने से आपका काम हो जाएगा। बीच में देखिए एक ये रेजिस्टेंस टाइप ये चीज़ लग रही है, तो ये कोईल होती है किसी के अंदर, किसी में कुछ लगा देते हैं। तो ये वाइट वाली कोईल है, ये कोईल है। इस कोईल से इस दोनों कैपेसिटर को सीरीज किया हुआ है, तो इसके अंदर ये भी यही कोईल है। देखिए ये वाली लग रही है जो कोईल है, यही कोईल है। तो दोस्तों अब हो गया अपना मीटर कैपेसिटर तक, दोनों कैपेसिटर पे सेम वोल्ट देखो दिखाई देंगे आपको, 322 वोल्ट दिखाई दे रहे हैं। अगर ये 300 से अंडर हो जाएं, 300 से कम हो जाएं, तो आपको ये कैपेसिटर चेंज करने, वरना तो 300 तक तो ये काम करती हैं एसएमपीएस। अब दोस्तों आगे चलते हैं आईसी पे ये इधर ऑटो कपलर लग रहा है, देखो ये वाला, ये जो ऑटो कपलर है ये ऑटो कपलर है। तो जैसे ही आईसी एक बार अपन ऑन करते हैं, तो ऑन करते ही ये डायरेक्ट ऑन होती है। कितनी सेकंड के लिए? सिर्फ एक प्लग के लिए ऑन होती है, और ऑन होकर के इस कपलर पे सप्लाई बनती है। तो दोस्तों इस कपलर पे जैसे मैं देखो अब देखता हूँ, डीसी ग्राउंड लगाता हूँ और इस पर सॉरी माइनस आएगा, शायद माइनस आएगा। तो देखो 319 वोल्ट आ रही है मेरे यहाँ। अब मैं दूसरी पिन पे जाता हूँ, दूसरी पिन पे भी 318-319 ऐसे आ रहे हैं। तो ये अब ये गेट है आईसी का, ये गेट है, गेट पे ये वोल्ट आने चाहिए दोस्तों। ये प्लस में लगा रखा है कैपेसिटर पे और मैं ये लगा रखा हूँ, तो ये वोल्ट आपके आने चाहिए। अगर ये वोल्ट नहीं आते हैं तो आप पीछे की तरफ मत जाइए, ये वोल्ट इस साइड से आते हैं कि जहाँ 12 वोल्ट उत्पन्न होते हैं वहाँ से ये होकर के ये इस कपलर पे आते हैं। कपलर पे मैं चेक कर रहा हूँ कितने वोल्ट आते हैं ऑटो कपलर पे, देखो 0.9 वोल्ट आते हैं। ये 0.9 वोल्ट जब आएंगे आपके, तो ये कपलर स्टार्ट होकर के इसके गेट पे सप्लाई दे देगा आईसी के। आईसी जब ऑन होगी तो ट्रांसफार्मर को सप्लाई मिल जाएगी। अब ट्रांसफार्मर में मैं आपको चेक कराता हूँ, तो ये वोल्टेज जो आ रहे हैं वो देखिए, ये क्या है, कन्फ्यूज वाले वोल्टेज होते हैं ना, ये एसी करते हैं ना डीसी करते हैं, ये हाई वोल्टेज होते हैं, इसलिए मीटर ना तो एसी में बताएगा और ना ही डीसी में बताएगा। देखो ये कन्फ्यूज कर दिया मेरे मीटर को, तो मैं वापस से इसको सेट करने जा रहा हूँ दोस्तों, वापस सेट कर दिया। अब मैं इसके आउटपुट पे चलता हूँ दोस्तों, आउटपुट पे जाता हूँ तो मेरे वोल्टेज
जो बन रहे हैं वह है 11.9 वोल्ट। तो अब दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इसके अंदर दो सप्लाई होती है, एक 12 वोल्ट होती है प्लस एक 5 वोल्ट होती है। तो यहाँ डायरेक्ट ये जो सप्लाई SMPS है उसका काम है सिर्फ 12 वोल्ट उत्पन्न करना। ये 12 वोल्ट मेरे उत्पन्न हो रहे हैं, देखो 11.9 आ रहे हैं तो ये लगभग ही हैं, तो इसमें कोई कमी नहीं मानी जाती है, एक दो पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। अब इस कैपेसिटर से डायरेक्ट जाता है दोस्तों इस IC पे, ये जो IC लगी है आपकी, ये इस IC का नंबर है 7805 और इस कैपेसिटर पे ये वोल्टेज आते हैं, मैं जिसको दिखा रहा हूँ ये इस वाले कैपेसिटर पे। तो अब ये मैं यहाँ ग्राउंड ले लेता हूँ इसका और मैं IC पे चेक करता हूँ, तो मेरे देखिए ये इनपुट पे 11.9 वोल्ट आ रहे हैं। अब दोस्तों यही IC 5 वोल्ट आउटपुट करेगी, तो ये बीच वाली पिन जो होती है ग्राउंड होती है और इस पे मैं चेक कर रहा हूँ, देखिए दोस्तों 5 वोल्ट फिक्स आ रहे हैं। तो इस सर्किट के अंदर क्या होता है दोस्तों, दो ही सप्लाई की आवश्यकता होती है, 5 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट दो ही सप्लाई लेती है। तो अब देखते हैं दोस्तों कि 5 वोल्ट किस काम आता है और 10-12 वोल्ट किस काम आता है। तो मैं अभी एक बार PCB को थोड़ा इस साइड से पलटता हूं और आपको थोड़ा समझाता हूं। दोस्तों 12 वोल्ट के अंदर क्या करा है इसने कि एक तो बजर लग रहा है, इसको 12 वोल्ट की प्लस मिलती है जिससे ये बजर बजता है प्लस, बाकी जगह इनमें सिर्फ 5 वोल्ट ही उत्पन्न होते हैं, सिर्फ 12 वोल्ट बजर पे प्लस इसमें सेविंग मोटर लग रही है। देखिए ये साहब डिस्प्ले वाली PCB पे सेविंग मोटर है, एक सेविंग मोटर ये और एक ये, इसमें दो लगी रहती हैं, एक इधर भी लगती थी, इसमें दिखा देते हैं, एक ये एक है देखो ये जेब और एक ये जेब, तो ये दोनों सेविंग के होते हैं, दो सेविंग होती हैं स्टैचू में और उसमें अपने और में एक होती है, तो ये दो हैं तो इसलिए मैं आपको दोनों दिखा दी हैं। तो 12 वोल्ट इन सेविंग में दोनों में काम आता है, इसलिए ये 12 वोल्ट की सप्लाई इससे इसको 12 भी मिलती है प्लस 5 भी मिलती है। और दोस्तों मैं ये थोड़ा और दिखा देता हूँ आपको कि अपना सेंसर जो होता है रिमोट वाला उसके ऊपर भी 5 वोल्ट होते हैं। तो दोस्तों मैं चेक करता हूँ आपको 5 वोल्ट, ये देखिए ये 5 वोल्ट यहाँ मिल रहे हैं मेरे, 4.9 वोल्ट है तो ये 5 वोल्ट है। अब ये जो बीच वाला पॉइंट है इस पे चेक करता हूँ मैं तो भी इस पे भी 5 आ रहा है। अब जब इसको अपन रिमोट की स्विचिंग कराएंगे तो ये VCC एक प्लस छोड़ती है, वो जो इस कमांड को देती है जिससे कमांड ये समझती है कि क्या करवाना चाह रहा है मेरे से, तो उस टाइम ये वोल्टेज अप डाउन होते हैं। बाकी दोस्तों ये डिस्प्ले का है तो डिस्प्ले की और इन LEDs की ये ICAं होती हैं, ये ICAं इनमें काम करती हैं। अब देखिए अब ये बंद हो गई, फिर मैं दबाया ऑन हो गई, तो ये पत्थर स्विच का काम कर रहा है। अब दूसरे देखो ये अलग अलग हैं, ये आ रहा है, ये अलग अलग फंक्शन है इसके, फैन पी, तो ये इस तरीके से फंक्शन कर रही है ये। अब दोस्तों और तो इसमें समझाने वाला कोई किस्सा ज़्यादा है नहीं और PCB भी कोई जटिल नहीं है, इसको आसानी से इंसान ठीक कर सकता है थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा है तो, क्योंकि मैं बड़ी PCB में इसलिए नहीं जा रहा हूँ, अभी बड़ी SMPS में अगर समझाऊंगा तो 4-4, 5-5 सप्लाइयाँ होती हैं तो वो थोड़े आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो इस स्टेज में ये इसलिए कराना चाह रहा हूँ कि भी छोटी से अगर सीख जाओगे तो बड़ी में आने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। बाकी मेरी PCB जो है बिल्कुल वर्किंग कंडीशन है, इसलिए मैं आपको दूसरी पोजिशन में नहीं ले जाना चाह रहा। दोस्तों कुछ केस ऐसे होते हैं जिनमें जैसे ये रेजिस्टेंस लग रही है और इसके अंदर क्या लग रहा है मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ी भिन्न है ये, इसमें ये जम्पर लगा दिया है। तो दोस्तों जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस अगर आपके पास उड़ रही है और आपके पास ये रेजिस्टेंस नहीं है तो इसकी जगह इसकी तरह आप जम्पर भी लगा सकते हैं। तो ये क्या है मॉडल अलग है, कुछ दिन पहले का है ये और ये कुछ दिन बाद का है, तो ये कंपनियाँ थोड़ा बहुत चेंजिंग करती रहती हैं। रही बात IC की बात करें दोस्तों तो इसके अंदर TNY264 नंबर की IC इसमें लगी हुई है, TNY264 वो भी IC इसके अंदर है, सेम सर्किट है ये दोनों, देखने में भी एक जैसे हैं और काम भी एक जैसा ही है, कोई परिवर्तन इसमें नहीं है। अब सवाल यहाँ आता है तीन स्पीड की, ये तीन रिले होती हैं मोटर के लिए होती हैं, 1, 2, 3 ये तीनों स्पीड होती हैं और ये न्यूट्रल होता है, इस तरीके से ये वर्क करती है ये मोटर के लिए। और ये वाली जो रिले है ये कंप्रेसर का आउटपुट है, ये कंप्रेसर का आउटपुट है। तो मैं अभी कंप्रेसर के आउटपुट पे एक बार आपको चेक कराता हूँ कि क्या पोजीशन है। तो दोस्तों ये DC में है मेरा,
और ये रिले लग रही है मेरी। अब इसमें मैं यहाँ दोनों पॉइंटों पे चेक करता हूँ, देखिए कोई वोल्ट नहीं है क्योंकि मैंने बीच में इसको स्टॉप कर दिया था। अब ये बीच में 3 मिनट होगी, उसके बाद इस रिले पे सप्लाई आएगी। अब मैं चलता हूँ फैन फैन पे। तो दोस्तों फैन की जो ये रिले लग रही है, देखिए 3, 1, 2, 3, अब इनमें से एक ऑन होनी चाहिए। तो मैं दोस्तों अभी दिखाता हूँ आपको कि कौन सी ऑन है और कौन सी ऑफ है। तो यहाँ इसकी सप्लाई आएगी, ये वाली देखिए, एक नंबर ये ऑन है, 11.2 वोल्ट आ रहे हैं। अब मैं दूसरी पे चलता हूँ दोस्तों, ये सब बंद मिलेंगे मेरे को, इस पर कोई सप्लाई नहीं है। अब मैं तीसरी पे चलता हूँ, देखो इस पर कोई सप्लाई नहीं है क्योंकि ये फैन मोड है। फैन मोड जिस लो मीडियम हाई तीन स्पीड होती है, तो तीनों के लिए ये तीन रिले लगी रहती हैं। और यहाँ से देखिए इस पे डायरेक्ट एसी आती है, वही एसी को ये रिले ऑन करती हैं। ये देखो अब मेरा कंप्रेसर स्टार्ट हो गया है, अब आवाज आई है। तो मैं कंप्रेसर पे वोल्टेज चेक करता हूँ, देखिए ये कंप्रेसर की रिले ऑन हो गई है, 11.1 वोल्ट बता रही है। तो ये मेरी रिले अब ऑन हो गई। अब मैं अगर आप एसी में चेक करना चाहो रिले ऑन हुई नहीं हुई, तो मैं फिर दिखाता हूँ आपको एसी पे लेके। ये अब एसी पे ले लिया मैंने, अब मैं आपको उधर ले जाकर के एसी रेंज में आपको चेक करवाता हूँ कि एसी रेंज में कंप्रेसर स्टार्ट हुआ या नहीं। तो ये मेरा न्यूट्रल आ गया, देखो एन एन कंप्रेसर है, ये एन फैन है, तो इसमें ये न्यूट्रल ही है दोस्तों। अब ये देखो लिख रखा है एल कंप्रेसर, तो मैं इस पे वोल्टेज चेक करता हूँ क्या बताती है ये। देखिए ये ऑन होगी मेरी रिले, 234 वोल्ट आ रहे हैं, तो ये कंप्रेसर की आउटपुट है। अब मैं आपको इधर से फैन की भी दिखाता हूँ, तो न्यूट्रल तो इसमें डायरेक्ट ही रहता है दोस्तों, कहीं भी लगा लिया आप। अब फैन पे कौन सा रिले काम कर रहा है, ये वाला रिले नहीं कर रहा है। अब मैं चलता हूँ आगे, ये वाला भी नहीं कर रहा है। अब मैं चलता हूँ दोस्तों आगे, ये वाला भी मेरा नहीं कर रहा है। तो मैं आगे 4 की स्पीड है इसमें, तो मैं इसमें लेता हूँ अब। तो ये दोस्तों अभी इसमें भी वोल्टेज नहीं है, देखिए इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। तो मैं एक बार पढ़ता हूँ वापस की किस में स्पीड आ रही है इसकी। एक नंबर पे आ रही है, तो दोस्तों इसमें ये लफड़ा हो रहा है कि 234 एकदम एक्यूरेट आ रही है। और ये देखता हूँ तो अभी ये फैन मोड पे, ये देखिए दोस्तों इस पे आ रही है ये। इसमें क्या है, इसमें 3 रिले हैं और इसमें एक रिले एक्स्ट्रा बनाई है, इसमें 4 स्पीड बनाई है। एक यहाँ दिया, एक 3 तो ये दे दी, एक ये दे दी, 4 स्पीड है इसके अंदर दोस्तों। ये स्पीड क्या है, इसके लिए यहाँ दिया है, इसके लिए यहाँ दिया है, तो ये 234 वोल्ट ये, और ये भी 212, ये दोस्तों मोड चेंज हो रहा है शायद इसका। तो मैं एक बार फिर देखता हूँ इसमें कि क्या वैसा नहीं है फिर। दोस्तों मैं एक बार चेक करता हूँ कि मेरी कौन सी रिले ऑन हुई है या ऑफ हुई है, कट की आवाज़ आई है मेरे पास। इस पर भी नहीं है, इस पर भी नहीं है, इस पर भी नहीं है, इस पर भी नहीं है। और मैं यहाँ जाता हूँ कंप्रेसर पे, आउटपुट देखो कंप्रेसर पे, कंप्रेसर भी ऑफ हो गया है इस टाइम। तो दोस्तों ये मोड सेट करने के लिए सिस्टम बना हुआ है, और ये पैनल के बगैर मेरे को पता नहीं चल रहा पूरा कि कौन सा है, क्योंकि इस पर F2 है, F3 कर दिया। तो अब मैं एक बार और चेक करता हूँ F3 में, देखते हैं क्या हो रहा है। इस पर भी कोई लाइन नहीं है, इस पर भी कोई लाइन नहीं है, इस पर भी लाइन नहीं है, और इस पर भी लाइन नहीं हो रहा है। तो ये मोड सेट करने का सिस्टम है दोस्तों, और स्विच ऑन क्योंकि इसमें पता नहीं चल रहा दो, अब शायद कोई सी रिले ऑन होनी चाहिए। ये वाली नहीं हुई है, ये वाली नहीं हुई है, ये वाली इस पर आ गई। देखिए दोस्तों ये 235 वोल्ट ये उत्पन्न हो गया मेरे। तो अभी ये रिले कौन सी स्टार्ट हुई है, ये मीडियम वाली हुई है, रिले नंबर 2 नंबर ये अब ऑन हुई है, और देखिए मेरी सप्लाई आ चुकी है। तो ये फोन में फैन में इसमें क्या है, ये लाइन जितनी आती है उस हिसाब से
तीन लाइन आई तो थ्री स्पीड हो गई, फिर एक कट गई तो टू स्पीड हो गई, फिर एक कटेगी तो वन स्पीड हो गई, ये फेन स्पीड है दोस्तों। इस तरीके से काम होता है, तो आप चेक कर सकते हैं दोस्तों इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको ये सिस्टम बताया। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा अब लंबा हो रहा है, इसलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाला वीडियो नोटिफिकेशन तक तुरंत आपको वीडियो मिले। और दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है, मेरे तो कोई समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपके तो समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है जैसा मुझे कमेंट करें। तो दोस्तों ये हिताची का था, और आपको बहुत अच्छी तरह मैंने समझाया मेरे हिसाब से, तो बाकी आप सीखते रहिए, एक दिन आप काम करने लग जाएंगे। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से बात कर सकते हैं आप, मैंने नंबर भी डाल रखे हैं, जिसे आपको कोई दिक्कत आती है आप कमेंट करके भी जान सकते हैं, फ़ोन करके भी जान सकते हैं, आपकी मर्जी है कि आप किस तरीके से आप बात करें। मैं बाकी बात आपसे सबसे करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, दिन में काफ़ी फ़ोन आते हैं, जवाब देता हूँ। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए फिर मिलेंगे, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।